जौनपुर में भीषण गर्मी के कारण लोगों में पानी की किल्लत को देखते हुए गुरुवार को जागरूक संस्था ने राहगीरों के लिए जिला अस्पताल चौक पर पानी पीने के लिए शीतल जल का वाटर कूलर लगाया गया, जिसका उद्घाटन पूर्व बीजेपी विधायक राजीव गुंबर एवं आम पार्टी के नेता योगेश दहिया ने वाटर कूलर का उद्घाटन किया। जागरूक संस्था ने बताया कि यहां पर कोई भी पानी पीने का साधन नहीं था। जिला अस्पताल के पास पानी की बड़ी किल्लत थी। उन्होंने राहगीरों की इस परेशानी को देखते हुए यहां एक वाटर कूलर हमेशा के लिए लगवा दिया। और आज हमारी जागरूक सहायता संस्था की समस्त टीम ने एक निशुल्क वाटर कूलर, जो हमारे देश के क्रांतिकारी हैं, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया था, उन वीर क्रांतिकारियों की याद में हमने एक वाटर कूलर यहाँ पर हमने जिला अस्पताल चौक के पास लगाया है, ताकि लोगों को अपनी प्यास बुझा सके। भूखे को अन्न और प्यासे को पानी, ये सबसे बड़ा दान है। और मैं चाहूँगा और भी लोग हमारे साथ जुड़े, ताकि हम ऐसे कार्यक्रम लगातार करते रहें।